पुरानी चीजों से अपने किचन को देते हैं एक न्यू लुक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजी बी। आज मैं आपके साथ कुछ किचन डीआईवाई शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे ये एक पुराना टेराकोटा पॉट ले लिया, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक 3D वर्क किया हुआ था, बट टाइम के साथ मैं उसे देख के बोर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो इसे एक न्यू लुक देते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो 3D वर्क था उसको रिमूव कर दिया है, एंड उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे ये एयर ड्राई क्ले, एंड उसको हम कुछ इस तरीके से फ्लैट करके कट कर लेंगे, इसके स्ट्रिप्स निकाल लेंगे, एंड इसको हम अपने पॉट के ऊपर स्टिक करेंगे। स्टिक करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्ले है टॉप एंड बॉटम में, उसको हम सीजर या फिर नाइफ की हेल्प से कट करके रिमूव कर देंगे। उसके बाद बारी आती है डिटेलिंग की, तो डिटेलिंग करने के लिए आप नाइफ का या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लाइक निडल वगैरह हो तो उसको भी यूज़ करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये टेक्स्चर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी और डिटेलिंग हमें ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्ले की एक पतली सी स्ट्रिप हम कट कर लेंगे एंड इसको हम यहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर देंगे। फिर छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे एंड इसको भी हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। उसके बाद इसमें स्क्रू का लुक देने के लिए मैंने स्क्रू ड्राइवर का ही यूज़ किया है। तो अब हमारा जो पॉट है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब हम इसे कर लेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चॉक पेंट एंड थोड़ा बर्न सियना कलर यूज़ करके कुछ इस तरीके से इसे कर लिया है कम्प्लीटली पेंट। पेंट हो जाने के बाद हम इसे होने देंगे ड्राई। जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है एंड इसको कुछ इस तरीके से रस्टिक लुक दिया है, एंड जब वो भी ड्राई हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे मेटालिक वैक्स यूज़ करके थोड़ा सा इसको और हाईलाइट किया है। एंड लास्ट में आपको करना है वार्निश का एक कोट अप्लाई, जो मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, बट आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एंड इसी के साथ हमारे एक प्यारा सा टम्बलर वास रेडी हो चुका है। आप इसके अंदर कटलरी भी रख सकते हैं या फिर इसे एज ए फ्लावर पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा MDF कटआउट मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था, इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है कि ये कब से है मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो इससे एक क्यूट सा मैग्नेट बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा क्ले एंड जो भी डिज़ाइन मुझे चाहिए था उसको मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लिया है, एंड उसके ऊपर हम क्ले को स्टिक कर देंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्यूट सा बनी बना रही हूँ एंड बहुत ही इजी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कैरेट बनाया है, एक बनी बनाया है, एंड उसके बाद हम इसको होने देंगे ड्राई। बहुत इजी है, आप इसे देख के बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसका फाइनल लुक देख के मत सोचिएगा कि यार हमसे नहीं बनेगा, बहुत इजी है, एक बच्चा भी बना लेगा तो आप तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेलिंग करने के बाद हम इसे ड्राई होने देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तब यहाँ पे हम जेसो का एक कोट अप्लाई कर देंगे, एंड जब वो भी ड्राई हो जाएगा तब हम इसे कर लेंगे पेंट। पेंट करने के लिए जो भी कलर आप चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू ग्रीन के शेड्स यूज़ किए हैं बैकग्राउंड के लिए, एंड ये सारे चॉक पेंट्स मैंने यूज़ किए, तो मेरे पास काफ़ी चॉक पेंट्स पड़े हुए हैं, तो इसके पहले कि वो ड्राई हो जाए एंड वेस्ट हो जाए तो मैं उनको फटाफट से यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बनी है उसको ब्लशी ब्लशी बनाने के लिए, उसके ब्लशी चीक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से पेस्टल कलर्स का यूज़ किया है, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा एक क्यूट सा मैग्नेट रेडी हो गया है, पीछे बस आपको मैग्नेट स्टिक करना है बस। तो यहाँ पे एक पुराना सा मेरे पास तवा पड़ा हुआ था जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया था, तो इसको मैंने अच्छे से पहले क्लीन कर लिया है। उसके बाद जेसो का एक कोट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, एंड जेसो का कोट अप्लाई करने के बाद मैंने इसको ड्राई होने दिया है। बट ये जेसो अप्लाई करना इसके ऊपर इतना सेटिस्फाइंग था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना गंदा तवा था, इसके ऊपर जब मैंने जेसो अप्लाई किया तो ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मुझे ऐसे ही बड़ा प्यारा लग रहा था, बट ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्रिंटेड पेपर का यूज़ किया है। ये डिज़ाइन मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा डिज़ाइन है, जो भी प्रिंट आउट है हमारा, इसको हम कुछ इस तरीके से, जो इसका एक्स्ट्रा शार्प पेपर है उसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद डिको मैजिक ग्लू की हेल्प से हम इसे कर लेंगे स्टिक। तो स्टिक करने के लिए बस आपको बेस में थोड़ा सा ग्लू लगाना है, उसको अच्छे से स्टिक करना है, एंड जो आपका प्रिंट आउट है वो जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, लाइक जो आपका ग्लू है वो जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा
तब आपको ऊपर भी एक कोट डेको मैजिक ग्लू का अप्लाई करना है, उसके बाद उसे होने देना है ड्राई। जब ये ड्राई हो जाएगा तब अब हमें क्या करना है कि जो हमारा बेस है उसको हमको अपने प्रिंटआउट के साथ मैच करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर एंड थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज़ करके कुछ इस तरीके से अपने इस प्रिंट को बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की है। बस इतना ही किया है एंड देखिए कितने अच्छे से यह ब्लेंड हो गया, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हमने इसको चिपकाया है, कोई पेपर हमने यहाँ पे स्टिक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और चीटिंग क्या की है कि जो हमारे ये प्रिंट आउट है इसके ऊपर भी मैंने थोड़े से ना पेंट से थोड़ी डिजाइनिंग ऐड कर दी है, जिसे पास से भी पता नहीं चलेगा कि हमने एक्चुअली में पेपर स्टिक किया है। उसके बाद मैंने ये एक बहुत ही प्यारा सा कोट ले लिया है, इंजॉय योर मील, एंड इसको हम कार्बन पेपर की हेल्प से यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। एंड ट्रेस करने के बाद हम इसको भी कर लेंगे पेंट। पेंट करने के लिए मैंने 0 नंबर का ब्रश यूज़ किया है एंड ब्लैक कलर से हम इसे पेंट कर लेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप चाहें तो एडिशनल कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से डॉट्स ऐड किए हैं एंड बस इतना ही किया है। एंड हाँ, लास्ट में वार्निश ज़रूर अप्लाई करिएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। मेरी एक्चुअली प्रेगनेंसी चल रही थी तो इसलिए मैं इसको नहीं कर पाई, बट आप ज़रूर से कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे एक मिठाई के डब्बे का कार्डबोर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इसके ऊपर हम एक केटल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मैंने एयर ड्राई क्ले ले लिया है, उसी शेप में मैंने इस तरीके से कट कर लिया है एंड अपने कार्डबोर्ड को कम्प्लीटली कवर कर दूंगी, क्योंकि हमको एक बेस चाहिए। क्ले से भी आप चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्टली, बट वो परफेक्ट शेप नहीं लेगा, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेस में कार्डबोर्ड यूज़ किया है, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो क्ले से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हैंडल वगैरह या डिटेलिंग्स वगैरह हमको ऐड करनी है वो हम कर देंगे एंड इसको हम ड्राई होने देंगे। तो पेंट करने से पहले हमको इसके ऊपर जेसो का एक कोट अप्लाई कर देना है। जब वो भी ड्राई हो जाएगा तब हम इसे कर लेंगे पेंट। पेंट करने के लिए आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक कलर कॉम्बिनेशंस भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं एंड कोई भी कलर मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे कर लेंगे पेंट। पेंट हो जाने के बाद हम इसे ड्राई होने देंगे। अब जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्स ले लूंगी एंड उसके बाद हम अपने इस जग का मेजरमेंट ले लेंगे। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे डब्बे को कट कर लिया है, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मुझे बॉक्स को थोड़ा छोटा करना था तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके कुछ इस तरीके से अपने बॉक्स को छोटा कर लिया है। एंड क्योंकि जो इसका सरफेस है ये थोड़ा ग्लॉसी है, आप इसके ऊपर जेसो या पेंट कुछ भी अप्लाई करेंगे वो टाइम के साथ निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और बॉक्स मैंने लिया है एंड इसको मैंने फ्लिप करके इस डब्बे के ऊपर स्टिक कर दिया है, जिससे कि मुझे एक वाइट कैनवस भी मिल गया है एंड एक रफ सरफेस भी मिल गया है, जिसको मैं बहुत ही इजीली पेंट कर सकती हूँ। तो दो कार्डबोर्ड्स को स्टिक करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, जब तक कि वो अच्छे से स्टिक नहीं हो जाता। तो मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक के कुछ क्लिप्स यूज़ किए हैं। तो बेस को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे कार्डबोर्ड्स को स्टिक कर दिया है एंड अब हम इसे कर लेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे चॉक पेंट का यूज़ किया है। तो मेरे पास ये एक चॉक पेंट था जो थोड़ा सा थिक हो गया है, इसके पहले कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए मैंने इसमें पानी मिक्स करके कुछ इस तरीके से इसको रनी टेक्सचर दे दिया है, जिससे कि मेरा जो पेंट था वो वापस से रेडी हो चुका है एंड दो शेड्स मैंने यूज़ करके अपने इस बॉक्स को पेंट कर लिया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे जो हमारा कटआउट था उसको हम स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू का यूज़ किया है, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना ही प्यारा हमारा एक टिश्यू बॉक्स होल्डर रेडी है, आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये मेरे पास काफ़ी पुराना सिरेमिक का ये टॉय सेट है,
ये मैंने पुणे में लक्ष्मी रोड में एक लेडी ऐसे एक स्ट्रीट वेंडर थी, वो बास्केट में लेके बेच रही थी। हार्डली मुझे 30-40 रुपीज में ये मिल गया था, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास था, तो मैंने सोचा चलो अब इसको एक न्यू लुक देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जेसो का एक कोट अप्लाई कर दिया, उसको ड्राई होने दिया है। उसके बाद जो भी कलर आप चाहें उससे आप उसको पेंट कर लीजिए। पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखो ट्रांसफर शीट का यूज़ किया है, जिसमें हमारा जो टी शर्ट है ये इतना छोटा था कि और कोई प्रिंट यहाँ पे आ ही नहीं रहा था। आपके पास अगर ऐसा कुछ भी सिमिलर है तो आप चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह डेको ट्रांसफर शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस देखिए इतना ही किया है। अब इसको एक फाइनल टच देने के लिए मैंने टिंटेड मेटालिक गोल्ड कलर यूज़ किया है एंड इसे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया है। एंड देखिए बस इतना ही किया है, हमारा जो पुराना बोरिंग सा एक टी शर्ट था इसको हमने कम्प्लीटली एक न्यू लुक दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ येस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye-bye.